बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम बजट पे बात कर रहे हैं। अब है एक बजट जिसे कहते हैं बजट अकॉर्डिंग एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, नंबर ऑफ मशीन आर, लेबर आर, यानी जो कुछ भी है, नंबर ऑफ केजी मटेरियल, केजी यूज वगैरह। बजट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल, इसमें तीन तरह का बजट होता है। मेन दो होता है, एक होता है फिक्स बजट, फिक्स्ड बजट। डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जामिनर, याद रखिएगा। और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। जो फिक्स फिक्स बजट होता है वो हम कहते हैं कि बजट हमने प्रिपेयर किया है अकॉर्डिंग स्पेसिफिक, इसे पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, मखसूस एक्टिविटी लेवल। एक मखसूस एक्टिविटी लेवल पे हमने बजट प्रोड्यूस किया है। जैसे हमने 20,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन एंड सेल के हिसाब से बजट प्रोड्यूस किया होगा कि 20,000 यूनिट के हिसाब से इस पे सेल की वैल्यू क्या होगी। सपोज हम कहते हैं 20,000 यूनिट सेल $200,000 की होगी। इस पे मटेरियल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी $60,000 का लगेगा, एस्टीमेट है हमारा। लेबर हमारी सपोज $80,000 की होगी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इस पे हम कहते हैं जी $10,000 के होंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इस पे फॉर एग्जांपल $5,000 के होंगे। 20,000 पे रख के हमने बजट प्रोड्यूस किया एक स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल पे, इसे फिक्स बजट कहते हैं। और फ्लेक्सिबल बजट होता है कि बजट प्रिपेयर अकॉर्डिंग वेरियस एक्टिविटी लेवल। तो बहुत सारे एक्टिविटी लेवल पे बजट अगर बनाए, एक्सेल वगैरह स्प्रेडशीट यूज की जाती है। जैसे हम 20,000 यूनिट पे भी बजट बना लें, 21,000 यूनिट पे भी बजट बना लें, 22,000 यूनिट पे भी बजट बना लें, 23,000 पे भी। 20,000 यूनिट हुए तो तब सेल मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स क्या होंगे, 21 पे क्या होंगे और 22,000 पे क्या होंगे। कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जब बजट बनाया जाता है उसे फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, एक ही लेवल पे बनाया जाता है तो उसे फिक्स बजट कहते हैं। अब बजट का पर्पस होता है कंट्रोल। हमने बजट को कंपेयर करना होता है एक्चुअल रिजल्ट से। अब देखे ना, हमने बजट बनाया, फिक्स बजट की मैं बात करने लगा हूं, हमने बजट बनाया 20,000 यूनिट पे, जबकि एक्चुअल जो रिजल्ट आया, एक्चुअल रिजल्ट आया 27,000 यूनिट। 20,000 यूनिट पे हमने बजट बनाया था, एक्चुअल रिजल्ट सेल भी अकॉर्डिंग टू 27 हुई, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड सारे 27,000 यूनिट पे लगे। अब अगर 27,000 यूनिट के हिसाब से सेल हुई है, सपोज वो 2,90,000 हुई, तो भाई 20,000 पे 2,00,000 थी, 27 पे 2,90,000 हुई है, तो वो एक्स्ट्रा होनी थी। यूनिट बढ़े हैं तो सेल वैल्यू भी बढ़नी थी, यूनिट बढ़े हैं तो मटेरियल भी बढ़ना है, यूनिट बढ़े हैं लेबर भी बढ़नी है, यूनिट बढ़े हैं तो वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेंगे। हाँ, यूनिट बढ़े हैं तो फिक्स ओवरहेड वही रह सकते हैं, बाकी चीजें तो बढ़ेंगी। तो जो कंपैरिजन होता है ना लाइफ में, वो होता लाइक टू लाइक, एक जैसा। अगर एक्चुअल रिजल्ट 27 है तो उसका कंपैरिजन भी 27 पे ही हो सकता है,
एक्चुअल 27,000 यूनिट है तो वो कंपेयर भी बजटेड 27,000 यूनिट से हो सकते हैं, सेम एक्टिविटी लेवल पे, डिफरेंट पे नहीं हो सकते। तो जो फिक्स बजट होता है, फिक्स बजट चेंज हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इसे फ्लेक्स्ड बजट कहते हैं। फ्लेक्स्ड कौन सा बजट यूज करते हैं इसके लिए, फ्लेक्स्ड के हम अगर एक्चुअल 27,000 यूनिट का रिजल्ट आया तो हम बजट को भी 27,000 पे रीस्टेट करेंगे, अगर एक्चुअल 32,000 पे आया रिजल्ट तो बजट भी 32,000 पे रीस्टेट होगा, एक्चुअल 19,000 आया तो बजट भी 19,000 पे होना। जब फिक्स बजट को एक्चुअल के हिसाब से चेंज करते हैं तो इसे फ्लेक्स्ड बजट कहते हैं। और देखें फ्लेक्सिबल में चेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो पहले ही हमने हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाया। अगर एक्चुअल रिजल्ट 21 का आया तो इससे कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल रिजल्ट 22 का आया तो इससे कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल रिजल्ट 20 आया तो इससे कंपेयर कर लेंगे। तो उसमें तो पहले ही वो वेरियस लेवल पे बना हुआ। फ्लेक्सिबल बजट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, फिक्स बजट को चेंज करने की जरूरत होती। अब फिक्स से फ्लेक्सिबल कैसे बनता है, इसके लिए आपको कास्ट बिहेवियर जो शुरू पे पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल चीजें हैं, जो फिक्स हैं, जो सेमी वेरिएबल हैं, जो स्टेप हैं, जो मिनिमम कास्ट है। अब देखो ना, वेरिएबल जो चीज होती है वो पर यूनिट फिक्स होती है लेकिन टोटल वो वेरिएबल होती है। फिक्स जो होती है वो टोटल फिक्स होती है, पर यूनिट वो वेरिएबल होती है। सेमी वेरिएबल पर यूनिट भी वेरिएबल होती है, टोटल भी, ये पहले बात हो चुकी है। आपको इस कास्ट बिहेवियर के चैप्टर को रीरीड करना है इसके लिए। कास्ट बिहेवियर पता है तो आप फिक्स बजट को फ्लेक्स्ड में चेंज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अभी देखते हैं छोटी सी एक एग्जाम्पल से के हमने बजट प्रोड्यूस किया 12,000 यूनिट के हिसाब से। हमने कहा जी सेल अकॉर्डिंग टू 12,000 यूनिट 2,40,000 की होगी, मटेरियल इस पे 84,000 का लगेगा, लेबर इस पे 36,000 की होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इस पे सपोज हम कहते हैं जी 60,000 के होंगे और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इस पे हम कहते हैं जी 25,000 के होंगे। ये हमने बनाया हुआ बजट, फिक्स बजट 12,000 यूनिट पे। अब एक्चुअल रिजल्ट ये आया, कौन सा रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट ये आया कि यूनिट हुए 16,000 प्रोड्यूस। उस 16,000 पे ये सेल वैल्यू आई 310,000, मटेरियल उन पे 16,000 पे ये एक्चुअल रिजल्ट है जो हमने नोट डाउन किया, ये 102,000 आया, लेबर उस पे 39,000 आई, वेरिएबल ओवरहेड उस पे 67,000 आए, फिक्स्ड ओवरहेड उस पे सपोज 29,000 आए। अब एक्चुअल अगर 16,000 है तो बजट को भी हम 16,000 पे चेंज करेंगे, इसे फ्लेक्स्ड बजट कहते हैं। कौन सा बजट कहते हैं, फ्लेक्स्ड। जो तो चीजें वेरिएबल होती है, मैंने आपसे कहा था इसे सीखें, वेरिएबल चीज को हमेशा पर यूनिट लेते हैं। जैसे ये 240,000 है, 12,000 यूनिट का, इसे 12,000 यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट ये 20 आया। ये 84 है, 12,000 यूनिट पे मटेरियल भी नॉर्मल कुछ ना कहा हो तो वेरिएबल होता है, डिवाइड करेंगे 12 पे तो ये पर यूनिट 7 आया।
लेबर भी कुछ ना कहा हो तो पर यूनिट है, लेकिन चेक हम कर लेंगे कास्ट बिहेवियर के इस मैप से, पर यूनिट और टोटल निकाल के, क्योंकि ये बेटा याद रखिएगा ये चेक जरूर करना पड़ जाना आप। ये पर यूनिट 3 आया 60,000 पे, पर यूनिट 5 आया, और फिक्स को हम पर यूनिट नहीं लेते, वेरिएबल चीज का पर यूनिट लेते हैं कंसीडर करते हैं और फिक्स का टोटल कंसीडर, क्योंकि उसका टोटल फिक्स होता है। अब हमने 16,000 यूनिट पे बनाना है, तो 20 पर यूनिट सेल है, 16,000 मल्टीप्लाई टू 20 पर यूनिट, ये सेल वैल्यू आ गई 320, क्योंकि ये पर यूनिट चेंज नहीं होती, ये पर यूनिट 20 अगर 12,000 पे है तो पर यूनिट 20 ही ये 16,000 पे है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इसका चेंज होता होता। ये 7 पर यूनिट आया 16,000 यूनिट पे, 7 पर यूनिट 112, 3 पर यूनिट आया 16,000 यूनिट पे, 3 पर यूनिट 48,000, और 5 पर यूनिट है तो 16,000 यूनिट पर यूनिट 80,000, जबकि फिक्स एज इट इज ये 25 है तो 25। अगर यहां पे इफ एनी सेमी वेरिएबल देन अप्लाई हाई लो टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो अगर इसमें से कोई सेमी वेरिएबल होती है उस पे हाई लो मेथड लगाते और उसका फिक्स अलग लेते एज इट इज और वेरिएबल का पर यूनिट लेके नए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर। अब बात ये सपोज ये भी वो कहता है जी फिक्स कास्ट स्टेप अप बाय 2,000 अबव 15,000 यूनिट, के 15,000 यूनिट से ज्यादा हो तो 2,000 से फिक्स कास्ट स्टेप अप इंक्रीज हो जाती है। तो अभी हम बजट किस पे बना रहे हैं 16,000 पे, ये 15,000 यूनिट से ज्यादा है तो इसने 2,000 से बढ़ जाना, ये 25 की बजाय क्या हो जाना 27। ये एक्चुअल और फ्लेक्स्ड बजट का जो डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस, उसे हम कहते हैं जी वेरिएंस। वेरिएंस डिफरेंस होता है एक्चुअल और फ्लेक्स्ड बजट का, एक्चुअल और फिक्स बजट के साथ इसको कभी कंपेयर नहीं करना, एक्चुअल में से फ्लेक्स बजट। ये 320 ये 310, तो वेरिएंस कितना आया, फर्क कितना आया 10 का, 112 है और ये 102 है, इधर भी 10,000 का डिफरेंस, 39 और 8 है इसमें 9,000 का डिफरेंस है, 80 और 67 है 13,000 का डिफरेंस है, 27 एंड 29 है 2,000 का डिफरेंस है, ये वेरिएंसेस है। देखिए 320 एस्टिमेटेड सेल वैल्यू थी, 310 एक्चुअल है, एक्चुअल सेल इनकम कम हुई है तो ये एडवर्स है। मटेरियल एस्टिमेटेड 112 का था कम हुआ 102, कास्ट कम लगे तो फेवरेबल, इनकम कम हो तो एडवर्स। 48 की लेबर थी कम लगी 39 तो फेवरेबल, 80,000 की वेरिएबल ओवरहेड थे 67 कम लगे फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड 27 थे 29 ज्यादा लगे तो एडवर्स। ये वेरिएंस होता है। देखिए वेरिएंस के चैप्टर में आपने पढ़ा, वेरिएंस का चैप्टर में जो मटेरियल होता है ना, जैसे मटेरियल कास्ट या मटेरियल टोटल वेरिएंस, मटेरियल कास्ट चेंज होती दो वजह से, एक प्राइस वेरिएंस होता है मटेरियल का और एक यूजेज क्वांटिटी वेरिएंस होता है, इसे यूजेज वेरिएंस कहते हैं। प्राइस में फर्क आ सकता है या क्वांटिटी में,
प्राइस पे फर्क हो या क्वांटिटी पे फर्क हो, इफेक्ट किस पे आना होता है? कास्ट पे, क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाई टू क्वांटिटी इज इक्वल टू कास्ट। ये जो वेरिएंस है ये कास्ट वेरिएंस है। जैसे मटेरियल का जो वेरिएंस, मटेरियल कास्ट वेरिएंस, इस कास्ट के फर्क से ये नहीं पता चल रहा इसमें कितना फर्क प्राइस की वजह से आया, कितना क्वांटिटी की वजह से। ये टोटल वेरिएंस है। लेबर में फर्क आया तो लेबर कास्ट वेरिएंस, हालांकि लेबर के दो वेरिएंस होते हैं, रेट और एफिशिएंसी। रेट कितना रेट पे किया, एफिशिएंसी आर कम लगे या ज्यादा लगे। वेरिएबल ओवरहेड कास्ट वेरिएंस, ये कास्ट के वेरिएंस होते हैं, टोटल वेरिएंस होते हैं, कंपोनेंट वेरिएंस नहीं होते। तो टोटल वेरिएंस इस तरह निकाल लेते हैं, अगर प्राइस का लहदा, यूजेज का लहदा वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए फिर फार्मूले होते हैं वो स्टैंडर्ड कास्टिंग के चैप्टर के। अभी ये कास्ट के वेरिएंस है, तो वेरिएंस ये फ्लेक्स्ड और एक्चुअल रिजल्ट का फर्क वेरिएंस होता है, फिक्स बजट का फर्क नहीं चेक करना। फ्लेक्सिबल में तो जाहिर है जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से, जिस एक्टिविटी पे एक्चुअल रिजल्ट अगर 22 तो 22,000 वाली लाइन से, सेम लाइन से, लाइक टू लाइक फर्क देखेंगे तो वो आपका क्या होगा, वेरियंस होगा। तो वेरियंस इस तरह बेटा जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम फॉर कंट्रोल होता है। क्योंकि वेरियंस एडवर्स आए या फेवरेबल आए हमने कंट्रोल करना होता है, ये फीडबैक होता है। जब वेरियंस निकालते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद निकलता है, तो ये फीडबैक कंट्रोल होता है, जिससे हम देखते हैं किस चीज को कितना कंट्रोल करें और कैसे कंट्रोल करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।